हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज हम आपकी नई वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज के 6 to 8 क्वेश्चन आपके पीपल के एग्जाम में लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में आपने इसके पहले क्वेश्चन के 1 से 5 क्वेश्चन तक आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा और समझ में भी आ गया होगा। और आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक सीरीज है, एक सीरीज दी हुई है ए और बी। इसमें दिया हुआ है 11, 8, 5 और 2। ये देखकर आगे दिया हुआ है का एक पद, का एक पद -150 है, ये बता रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस सीरीज के अंदर पहला पद क्या है? पहला पद है ए, ए होता है ना, ये 11 और 7 अंतर, यानी कि डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या हो गया, 8 - 11, ये a2 - a1 होता है। तो ये हमारे पास कितना होगा, -3, या हो गया a3 - a2। तो ये क्या करेंगे, 5 - 8, तो ये भी -3। तो ये देखिए, ये बराबर आ रहा है, और डी इनका बराबर, ठीक है। और हमें ए एन एन पद जो है वो इसमें दिया हुआ है, ए एन ये 150 दिया हुआ है, सॉरी -150, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, एन हमें निकालना है। इसमें सिंपल सा है, इसमें फॉर्मूले में आप देंगे तो हमारे पास क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पर क्या होगा, ए क्या है, इसमें वैल्यू रखते रहेंगे 11 - n-1 - 3, और यहाँ पर कितना दिया हुआ, -100। वैल्यू रखते आपने, अब आगे देखिए, इसमें ये तो आपने वैल्यू रख दिया ना सभी। अब इसके बाद क्या करना है, एन माइनस वन यही रखेंगे ये, और ये जो 11 है वो यहाँ रख देंगे, तो ये माइनस क्यों गए, तो इसमें ये -3 भी हो जाएगा, -3 भी है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया, -150 और -11, ये 11 जब इधर आएगा माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ब्रैकेट है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ एन माइनस वन ये हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये घटा 161 हो गया, और -3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ -1 भी तो है, तो 1 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा, -161 - 1 और बटे में घटा 3। अब ये घटा बटा तो बट जाएंगे, ये तो बट जाएंगे, इसका मतलब ये घटा बट जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बटे में 1 कर देंगे, इसका लघुगणक ले लेंगे 3, तो ये 161 तो ये हो गया, और ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 + 3 - 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 × 3 ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितना हो गया, 3 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 164 बटे में 3। अब 164 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 × 5 = 15, ठीक है, 1 + 4 = 3 = 12, तो इसका मतलब 54 / 2/3, ये इसका आंसर, ये आंसर, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, 150 पद है, 150 तो नहीं हो सकता, तो यहां पर लिखेंगे यह नहीं हो सकता, तो यहां पर लिखेंगे एपी का एक पद -150 नहीं हो सकता, क्योंकि पद तो पूरा आता है ना, बटे में थोड़ी आता है, बटे में थोड़ी आता है, पद तो एक संख्या होती है, दूसरा तीसरा पांचवा पंद्रहवा बीसवा पच्चीसवा ऐसे होता है, और ये भिन्न में आया हुआ है तो भिन्न पॉसिबल ही नहीं, तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
अब आगे देखिए, आगे इस प्रकार से क्वेश्चन की इसके अंदर दिया हुआ है 11 और 15। तो सबसे पहले एक 11 ये दिया हुआ है 38, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है 16 पद, ए 16 ये दिया हुआ है 73। अब आप बताइए ये 11 को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 10 3 ये हो गया 38। दूसरा उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 15 बी ये हो गया 73, ठीक है ना। इसको हम समीकरण एक लेंगे, इसको समीकरण दो लेंगे, इनको बता देंगे समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने, ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे तो यहां पर क्या होगा, 15 डी इसमें से घटाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया ना। ये आप ऐसे करिए, ए प्लस 15 डी और बराबर है 73, और यहां पर ए प्लस 10 डी बराबर है 38, और ये जब घटाएंगे ये संख्या जो है कितना कितना हो गया, 5b बराबर कितना हो जाएगा, 73 में से 38 बता देंगे 35, और d बराबर कितना होगा, 35 को 5 से भाग कर देंगे 7, क्या जाएगा 7 आ जाएगा। d का मान किसी भी एक उसके समीकरण में रख लेंगे, ठीक है। ये बता दें समझ अच्छी तरह से, और यहां पर लिखेंगे का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर तो यहां पर ए जमा 10 और गुणा में 7 बराबर 38, तो ए बराबर कितना हो गया, 38 माइनस 70 ये होगा 10 7 70, तो 70 जब इधर आएगा तो यहां पर माइनस 38 एक किलोमीटर हो गई माइनस। अब इसमें पूछा है 31 का पद क्या है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो a 31 ये क्या होता है, a प्लस 30 b, तो यहाँ पर a कितना है माइनस के 32 जमा 30 गुणा d कितना है 7, तो माइनस 32 गुणा में 3 सत्ते 21 210 में से 32 कटा देंगे तो कितना हो गया 178, ये 31वां पद, ठीक है। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट भी इसी प्रकार से क्वेश्चन 7 है आपका, क्वेश्चन 7 देगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 8वां क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, वो आपने होमवर्क के लिए दिया है मैंने आपको। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे एंड बाय बाय।